अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को तेल के दाम कम करने के लिए धन्यवाद कहा है। इससे ट्रंप की सऊदी के प्रति नरमी का पता चलता है। इससे एक दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना और तेल की वैश्विक कीमतों पर लगाम लगाए रखना अमेरिका के हित में है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, तेल के दाम कम हो रहे हैं, अच्छा है, जैसे अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ा टैक्स कम हो गया हो, आनंद लें। $54 केवल $82 था, धन्यवाद सऊदी अरब, ऐसे ही काम करो। इस बयान के बाद सऊदी अरब को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में मतभेद उभर आए हैं। यहाँ तक कि ट्रंप के कुछ रिपब्लिकन सहयोगियों ने उन्हें आगाह किया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी अरब की भूमिका के लिए उसे दंडित नहीं करने से खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। कई रिपब्लिकन, यहाँ तक कि सेंस लिंड से ग्रहण और रैंड पॉल, जो इस मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने विचार साझा कर चुके हैं, ने सऊदी अरब के वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के अंदर खशोगी हत्या के लिए कठोर दंड नहीं देने के ट्रंप के फैसले की निंदा की है। सीनेट के विदेश संबंध नीति के अध्यक्ष और रिपब्लिकन सीनेटर बॉब कॉर्कर ने कहा कि वो ट्रंप के बयान से आश्चर्यचकित हैं और उन्होंने इसकी तुलना सऊदी अरब के लिए जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के साथ की। कॉर्कर ने अपने गृह राज्य टेनेसी के चैटानूगा शहर स्थित टीवी चैनल WTVC को बताया, ये नाजुक स्थिति है, इसमें एक और हमारा दशकों पुराना सहयोगी है और वहीं दूसरी ओर एक वली अहमद भी है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि उसने एक पत्रकार की हत्या करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सब कुछ इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि वो इसके बारे में जानते थे और उन्होंने ही इसका आदेश दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेम्पियो ने ट्रंप के फैसले को ये कहकर बचाव किया कि वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार की 2 अक्टूबर को हुई हत्या में शामिल होने को लेकर अमेरिका पहले ही 17 संदिग्ध सऊदी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। मिसौरी के कंसास सिटी में बुधवार को एक रेडियो साक्षात्कार में पेम्पियो ने कहा, हमने 17 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें से तो कुछ सऊदी सरकार में काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार दोनों पार्टियों के सदस्यों ने ट्रंप पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी को अनदेखा करने का आरोप लगाया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि वली अहमद ने ही हत्या का आदेश दिया था। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, हम करोड़ों डॉलर के सौदे को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं और उसे रूस और चीन के हिस्से में नहीं जाने दे सकते, ये मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है। मैं अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता हूँ। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। एक तरफ अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, तो वहीं खशोगी की हत्या को दरकिनार कर सऊदी अरब से संबंध गहरे कर रहा है। बता दें कि सऊदी अरब और ईरान सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं। ऐसे में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका को सऊदी अरब से संबंध बनाए रखना लाभप्रद होगा। एक तरफ जहां अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो वहीं भारत ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद तेल खरीदना जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।